माननीय अध्यक्ष जी, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार और जिस तरह घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ये उत्तर प्रदेश वही है जहां पर जीरो टॉलरेंस की बात हो रही हो। जब कल मैडम गवर्नर यहां पर स्पीच दे रही थी, उसी दिन अखबार में, कल के ही अखबार में और परसों की घटना, जहां पर एक 19 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ और ये एक घटना नहीं है। अगर हम घटनाओं को देखें और आंकड़ों को देखें, मैं माननीय अध्यक्ष आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा, कम से कम सरकार इस पर साफ कहे कि जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही हो और जो सबसे ज्यादा अपने आप को प्रचार में इस बात के लिए प्रचार कर रही हो कि वो सबसे ज्यादा संवेदनशील है महिलाओं को लेकर के, बेटियों को लेकर के, लड़कियों को लेकर के, लेकिन अगर हम देश के और उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखें तो महिला अपराधों में यूपी सबसे आगे है। अगर ये आंकड़े सरकार नहीं मानती है तो सरकार ये बताए कि सरकार के पास जो सिस्टम है डायल 100, जिसको डायल 112 कर दिया है, उसके आंकड़े क्या कहते हैं। 1090 जो बना था सुरक्षा के लिए, उसके आंकड़े क्या कहते हैं। और जो हर दिन हम अखबार खोल करके देखते हैं तो पाते हैं कि क्या गंभीर से गंभीर घटनाएं हो रही हैं। और अगर हम याद करें पीछे मुड़ करके, और अभी भी सरकार उतनी जितनी सेंसिटिव होनी चाहिए, जितनी सीरियस होनी चाहिए, अभी भी घटनाओं को लेकर सेंसिटिव नहीं है। इलाहाबाद में 22 अप्रैल को थाना भरवई में पूरा परिवार समाप्त कर दिया गया, पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। उसके बाद जो जानकारियां आ रही हैं, अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए। और यह प्रयागराज की पहली घटना नहीं है, प्रयागराज में न जाने कितनी ऐसी घटना हुई है। आखिरकार सरकार क्या कर रही है, क्या थाने इसी तरह अराजकता के केंद्र बन जाएंगे। कल की घटना रामपुर की, जहां रूलिंग पार्टी के सदस्य थाने में जाकर के, जिनके पास, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था को बेहतर करेंगे, उनकी पिटाई हो जाना, मारपीट होना उनके साथ थाने में, और रिवॉल्वर लगा देना, यह है जीरो टॉलरेंस की सरकार। और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी जहां गए ललितपुर में, हालांकि मैं तो यह कहूंगा कि सदन के नेता सच बोलते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने सच बोला। मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने तो अखबारों के माध्यम से पढ़ा और जानकारी मुझे हासिल हुई। नेता सदन ने कहा, जब शिकायतें की गई सरकार की, अधिकारियों की शिकायतें जब हुई, तो नेता सदन ने कहा कि आप लोग दलाली छोड़ दो, अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा। मैं अपने नेता सदन का बहुत धन्यवाद देता हूं। 5 साल तक दलाली चलती रही, नेता सदन को पता ही नहीं लगा। और किन अधिकारियों को सुधार दिया। मैं इस विषय को इसलिए, इन विषयों को उठा रहा हूं, मैं खुद गया ललितपुर, और जब मैंने वहां सूचना पाई कि एक बेटी के साथ ऐसी घटना हुई, सरकार ने कार्रवाई की, लेकिन क्या सरकार यह बताएगी कि घटना होने के बाद जीरो टॉलरेंस है। घटना ना हो उसके लिए सरकार क्या कर रही है। इसी तरह सिद्धार्थनगर में, क्योंकि पुलिस को खुली छूट मिली हुई है, सिद्धार्थनगर में घर में जाकर के पुलिस पकड़ने की कोशिश करती, नहीं पकड़ पाती है, या मां उसको छुटवाने आती, मां को गोली मार दी जाती, और उस घटना को क्या रूप दे दिया गया, किसी और को जाकर के जेल भेज दिया। सच्चाई जनता जानती है, लेकिन सरकार और प्रशासन जब अपराधियों के साथ खड़ा हो जाएगा, जो घटना कर रहे हैं उनके साथ खड़ा हो जाएगा,
तो न्याय कैसे मिलेगा? चंदौली की उस बेटी की जो रो रो करके कह रही थी, पुलिस दबिश करने आई थी, क्या दबंगई करने जाती है कि दबिश के लिए जाती है पुलिस? उसकी व्यवस्था है, सिस्टम है, आप कैसे जाएंगे घर में? ये किसने छूट दी है? आप घर में घुस गए, बेटी को इतना पीटा कि जान चली गई उसकी। माननीय मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने कुछ मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। अपराध किसी भी प्रकार का हो, वह अक्षम्य है, और खासतौर पर महिला संबंधी अपराध के मुद्दे पर सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों के खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ अपराधियों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। अगर अपराधी है तो कोई भी है, वो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई होती है। और नेता प्रतिपक्ष इस बात को अच्छी तरह जानते भी हैं, समझते भी हैं, उन्होंने स्वीकार भी किया है कि कार्रवाई हुई भी है। क्योंकि आप तो हर उस अपराधी का समर्थन करते हैं जो प्रदेश में अराजकता के पर्याय थे, गुंडागर्दी जिनका पेशा बन चुका था। विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था और सुरक्षा के बेहतर माहौल ने ही इस सरकार को फिर से व्यापक जन समर्थन दिया। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये चुने गए माननीय सदस्य इस बात के प्रमाण हैं कि जनता ने इन्हें समर्थन दिया है, और आधी आबादी ने जिस भाव के साथ समर्थन दिया है वह अभिनंदनीय है, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। महोदय, पिछले 5 वर्षों के अंदर भी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई की, और फिर इस बात के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कह रहे हैं कि सरकार अपराध और अपराधियों के मुद्दे पर बिना किसी की परवाह के बगैर अपनी कार्रवाई को जारी रखेगी। सुरक्षा अधिकार, सबको सुरक्षा का अधिकार सबको देना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन कोई व्यक्ति सरेआम अपराध करे यह किसी भी प्रकार से सरकार स्वीकार्य नहीं कर सकती, और खास तौर पर महिला संबंधी अपराधों को लेकर के एंटी रोमो स्क्वाड का गठन हमारी सरकार ने 2017 में आने के तत्काल बाद किया था। एंटी रोमो स्क्वाड के गठन के साथ ही प्रदेश के अंदर 218 महिला संबंधी अपराधों को रोकने के लिए और पास्को कोर्ट की स्थापना भी सरकार ने किया, उस पर त्वरित कार्रवाई हुई। आंकड़ों के हिसाब से नहीं, अगर आप पूरे देश के अंदर घटित होने वाले मामलों की संख्या को अगर आप देखेंगे, 2012 से 17 के बीच में विभिन्न प्रकार के जो अपराध हुए हैं, चाहे वह हत्या से संबंधित हों, लूट से संबंधित हों, दुष्कर्म से संबंधित हों, महिला संबंधी अपराध हों, इनमें भारी गिरावट आई है। और कल हमारे प्रतिपक्ष के मित्र महामहिम राज्यपाल के भाषण को सुने होते तो बहुत सारी चीज़ें उनके सामने क्लियर हुई होती। बाकी जो कुछ बचेंगी अभिभाषण पर जवाब देंगे, उस समय आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताएंगे कि अपराधों में कितनी गिरावट आई है। वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।